नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 2022 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन यूज स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम लोग ब्लॉक 4 का यूनिट 14 यानी मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस ये स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो आप कृपया करके वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दोस्तों, जैसा कि अभी जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए कुछ भी इग्नू के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम होगी या प्रमोट किए जाएंगे, तो दोस्तों आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। जनवरी वाले सेशन के कैंडिडेट हैं तो उनको तो पढ़ना ही है। आप नोट्स बनाएंगे जनवरी वाले कैंडिडेट, आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। आप पहले असाइनमेंट पे भी ध्यान दें और असाइनमेंट बनाने के साथ साथ आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कुछ दिन पहले आप लोगों से कहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगी। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए भी होगी जो लाइब्रेरियन का BLIS कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अभी से अगर आप उस तरह के टेस्ट देते हैं तो आपको उस टाइम में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी जब आप लाइब्रेरियन की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप BLIS कंप्लीट कर चुके हैं या फिर MLIS भी अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों बस मैं मंडे तक जितना जल्दी हो सके इस चैनल पे MCQ क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेन भी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी बताई जाएगी, और आप उसमें अपने आप को जान पाएंगे कि आपका तैयारी किस लेवल तक है। और उसका क्वेश्चन का दोस्तों लेवल आप देखेंगे कि जो बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की क्वेश्चन मिलेगी, जो कि आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलती है, क्योंकि वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बनाई गई टेस्ट होगी, सॉरी टेस्ट सीरीज होगी, और वो काफ़ी आपको कोई भी अगर लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम हो उसमें आपको सहयोगी साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि देखिए, सूचनाओं सेवाओं का विपणन आवश्यकता। देखिए, जो मार्केटिंग सर्विस, उसको अगर हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो विपणन होगी, ठीक है? विपणन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मार्केटिंग के बारे में ही बताया गया, तो इसमें आपको कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक है? अगर एग्जाम में विपणन आता है या फिर मार्केटिंग आता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ इसकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे और परिभाषा जानेंगे। इस पर मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा, और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है। अगर इसे आप पढ़ाई कर लेते हैं और एग्जाम में आ जाती है, तो आप दूसरों से बेहतर नंबर ला पाएंगे, ठीक है? और दोस्तों, आप पूरे YouTube में देख सकते हैं, कहीं भी कंप्लीट इस तरह की आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। इसका नोट्स मैं खुद से तैयार करता हूँ, और मैं उसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जो MCQ क्वेश्चन होगी वो भी मैं बेहतर तरीके से ही अपलोड करूँगा। दूसरी बात दोस्तों, कि जिनकी क्लास चल रही है अभी BLIS की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो क्लास कंटिन्यू चलती ही रहेगी, उस पर आपको बिल्कुल सोचना ही है। ये कॉम्पिटिटिव यानी MCQ क्वेश्चन के लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा इसी चैनल में, ठीक है? तो चैनल में अगर आप BLIS के स्टूडेंट हैं, फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप BLIS कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, फिर भी आपको सब्सक्राइब कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग पहले आवश्यकता देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन अधिक सक्षम और प्रभावी सूचना प्रदान बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का यूज करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली बात ये जान लें कि इसे बेहतर क्यों एक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसमें कुछ परेशानियाँ होती होगी। क्या परेशानियाँ होती है? देखिए, जगह की कमी होती है, कम बजट और बढ़ती हुई कीमत, ये सब परेशानियों से निजात पाने के लिए सूचना सेवा विपणन की आवश्यकता होती है। अब इसका एग्जैक्ट एक परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, वास्तविक विपणन आप जो बनाते हैं उसे बेचने की कला शामिल नहीं होती है, केवल इतनी जानकारी होती है कि क्या बनाना है। विपणन से तात्पर्य प्रबंध की उस प्रक्रिया से है जो ग्राहकों की आवश्यकता को लाभप्रद तरीके से पहचान लें की प्रत्याशा करने एवं संतुष्ट करने के लिए जिम्मेवार हैं। ये UK चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग का ये डिफिनेशन है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे विद्वान जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो वो डिफिनेशन बताए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक डिफिनेशन सिर्फ जान लेते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, कभी लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, क्विट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे आपको इसमें बिल्कुल बेहतर
सरल लैंग्वेज में बनाया गया डेफिनेशन है। देखिए किसी भी बिजनेस को, देखिए ग्राहक को मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, तो इसमें आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का ये तरीका नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है कि वहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विपणन की परिभाषा का वास्तविक सार है दोस्तों, थोड़ा सा हिंदी में क्या होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना होगा। देखिए इसमें क्या है कि परिभाषाओं, तो ओम एक स्पेस गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, तो उसमें आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आप स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। देखिए सूचना उत्पादों और मौजूद सेवाओं की मांग होती है, इन उत्पादों और सेवाओं में ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता होती है, उत्पाद सेवा विनियम भुगतान के लिए प्रारंभिक विचार, अनुकूल विपणन सेवाओं की पहचान। देखिए दोस्तों मेरे चैनल का नाम है लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, तो दोस्तों आप इस देखिए आज के क्लास में जो इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है, कल इसका हम लोग डिफिनेशन और जो भी इसकी आवश्यकता है क्यों ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए इसलिए मैं आज थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप इसमें मेन नोट इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं बहुत जल्द इसमें टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ, तो आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं यानी BLIS या MLIS कर रहे हैं फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप आपके जितने भी ग्रुप होंगे लाइब्रेरियन की या फिर फेसबुक में व्हाट्सएप में जो भी ग्रुप होंगे टेलीग्राम में, तो आप कोशिश करेंगे कि इस चैनल का लिंक वहाँ पे शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी सहयोग मिले। और दोस्तों मैं अभी तो मैं आपको कंफर्म एक एग्जैक्ट मंथ या डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं भविष्य में ऐसा भी प्लान करूँगा कि दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे वो ऑनलाइन सिस्टम से मैं ऐसी कुछ सुविधा आप लोगों को दूंगा कि जिसके बेहतर नंबर आते हैं top 10 उनका नाम स्क्रीन में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, उनके कितने मार्क्स आए हैं और वो कहाँ से हैं, जिससे आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन की तैयारी करने की भावनाएं बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जितना जल्दी मैं मंडे तक कोशिश करूँगा कि टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 उसके लिए अलग प्लेलिस्ट भी बना दूँ और वीडियो भी अपलोड कर दूँ। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।